जो मैं को अरदास किया एक मिनट में आंख खिलनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने स्वयं अपनी जिबान काट कर मातेश्वरी को बैठ कर दी थी। एक आंख तो खुली दनरी हवा दो बजा, एक रात्रि 12 बजे खुली मारी आंख। जय माता दी रे भक्तों, आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ रियासत में कई सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं जो आप सभी जानते हैं और चमत्कारी शक्तिपीठ हैं। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला तहसील के पास में माताखेड़ा गांव, और माताखेड़ा गांव के पास में ही विराजमान है यहां पर एलवा महारानी, जो शक्तिपीठ में से एक है। अगर आप एलवा महारानी पधारेंगे तो उदयपुर से 77 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ से 60 किलोमीटर आप सीधे मंगलवाड़ होकर डुंगला आएंगे, और डुंगला से यहाँ पर माता जी का खेड़ा गांव है, और माता जी का खेड़ा गांव के मुख्य सड़क पर आपको मिलेगा यहाँ पर विशाल तोरण द्वार। तोरण द्वार से आपको यहाँ पर लगभग 500 मीटर पहाड़ी की चढ़ाई करनी होती है, और इसी पहाड़ी की चढ़ाई में आपको बहुत आनंद आएगा। यहाँ पर यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी सुहाना वातावरण है, काफ़ी यहाँ पर पास में देख रहे हैं आप जंगल हैं और सुंदर उपवन पहाड़ी हैं। इसी पहाड़ी पर आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर मिलेंगे माता एलवा का दरबार, जो आप साक्षात यहाँ पर देख रहे हैं विराजमान हैं, और जो मातेश्वरी विराजमान हैं उसी के साइड में आप देख रहे हैं माँ हिंगलाज की अखंड जोत जल रहे हैं, जो यानी कि कभी भी खंडित नहीं होती हैं। और इसी के साथ में आप पास में देख रहे हैं भगवान शिव शंकर की स्थापना की गई है, और यहाँ पर जो यानी कि आप कमरे देख रहे हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, चूने से निर्मित हैं, और राजा महाराजाओं के टाइम से जो यहाँ पर घड़ाई की जाती है वो घड़ाई आप देख रहे हैं, सुंदर सुंदर नकाशे देख रहे हैं, और जो मंदिर है वो यानी कि महाजन ने बनाया हुआ है ऐसा कहा जाता है, और जो मातेश्वरी हैं वो भी साक्षात आकर विराजमान हुई है यहाँ पर। और इसके साथ में इस कमरे के अंदर जो आप यहाँ पर एक नवग्रह सिद्धि यंत्र देख रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी साल पहले यानी कि एक भक्त थे गुलाब जी, पर उन्होंने यानी कि कोई भजन संध्या सत्संग हो रही थी तो उसी में उनको यानी कि कोई भी ज्ञान नहीं रहा था और बोलना भी बंद हो गया था। उन्होंने स्वयं अपनी जिबान काट कर मातेश्वरी को बैठ कर दी थी, तो सब यानी कि परेशान हो गए थे कि फिर ये जो नवग्रह सिद्धि यंत्र है यहाँ पर लाके बिठाया था, और कुछ समय बाद उनकी जिबान वापस आ गई थी। ऐसा यानी कि जो बुजुर्ग कहते हैं उनके हिसाब से ये इतिहास है। और यहाँ पर आप मंदिर के ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी सुहाना वातावरण है। अब चलिए हम पुजारी जी से जुड़ते हैं और यहाँ का क्या इतिहास रहा है उनके बारे में बात करते हैं। तो जय माता दी। जय माता दी जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे भक्तों को। हमारा वंशावली पूजा है और हम वंशों वंश पूजा करते आ रहे हैं, हमारी पूजा हजारों साल से है जी। और मेरा नाम कैलाशनाथ, मेरे पिताजी का नाम भीमनाथ जी है जी, उनके पिताजी का नाम रूपनाथ जी था और उनके पिताजी का नाम कृपानाथ जी है। हमारे मंदिर के प्रथम पुजारी कुशालनाथ जी बाबू जी है जी, जो माता जी के सन्मुख गेट छोटा है उसके सामने हमारे पर्वत के नीचे उनका जीवित समाधि है और वो विराजमान है। अच्छा, आज भी मतलब समाधि है यहाँ पे वर्तमान में है, यहाँ से मतलब बैक साइड में देख रहे हैं अपन वहीं पे। हाँ, वहीं पे है सर। अच्छा अच्छा। इनके सामने सन्मुख है। अच्छा, माता जी के सन्मुख है जी। और आप माता जी का जो भी पूजन पाठ करते हैं उसके बाद हम वहाँ जाते हैं, दिया बत्ती धूप वहीं पे भी करते हैं, और उनके आशीर्वाद से हम आज यहाँ हैं जो सेवा करते हैं और भक्तों का आदर सम्मान करते हैं।
अच्छा ये तो हो गया, यानी कि आप जब से यानी कि पूजा करते आ रहे हो और सेवा करते आ रहे हो, तो अब यानी कि जो माता जी का इतिहास है वो बताइए आप, यानी कि कितने सालों पुराना इतिहास है और क्या ये यहाँ पर कोई स्थापना की गई है या फिर क्या है, जो आप सुनते आ रहे हो वो आप बताइए। हम तो सुनते आ रहे हैं, हमारे सभी पूर्वज और हमारे राव जी की पोती के अनुसार बताएंगे। पूर्वज यूँ कहते हैं, ये पानगढ़ से पधारे हुए हैं और झुंझी महाराज के जोड़ाते हैं। अच्छा। और वहाँ कोई विपत्ति आना या कोई कष्ट देना, इसी कारण से आप वहाँ से पधार गए और वो पिराना गांव में आके रुके थे, वहाँ उनका पियर बनाया, फिर वहाँ से वो चलते अपने यहाँ डूंगर। अच्छा। के नीचे ही एक वल्ली का वृक्ष है, ये पहाड़ी है। हाँ, ये पहाड़ी है, वहाँ नीचे ही एक वल्ली का वृक्ष है, वहाँ आके उन्होंने विश्राम किया और वहाँ से एक कानोड़ का बनिया है उसको दर्शाव दिया और बोला कि 2-3 पत्थर 5 पत्थर ले जा और इस पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर बनाना है तेरे को, तो वो बोला बना देंगे। वो पत्थर लेके घर पे गया, देखा तो एक अदृश्य बन गए, सोना चांदी जवाहरात जो भी कुछ भी, जो भी पत्थर माया थी वो माता जी की माया थी, वो मैंने की दन दौलत, हाँ वो माता जी की माया थी जी जी जी। वो देख के उनकी शेटानी खुश हो गई, उन्होंने बोला मंदिर तो बनाना है। बिल्कुल। फिर ये मंदिर बनाया और मंदिर का काम चलते चलते पूरा होने आ रहा था, तब बनिया समाज के 10-5 जो वडील होते हैं ना, वो देखने के लिए आए कि भाई देखा मंदिर इस सेठिया ने कैसा बनाया, अपन भी देखें, क्योंकि ये ऋषभ देव का बन रहा है। अच्छा, ये मंदिर यानी कि जैन मंदिर बन रहा है ऋषभ देव का। अच्छा, ऋषभ देव जी। और ऋषभ देव जी की बंदोली निकल रही थी, डुंगला निकल रही थी और वहां से जो भी परिवार जैन मंदिर देखने आए और यहाँ देखा तो माँ जी ने तो पाड़े का वध किया हुआ था और विराजमान हो गए थे। फिर उन्होंने ऐसा बोला, ये तो डाकन विराज हो गई, यहाँ अपना तो जैन मंदिर नहीं हो सकता है, आज कोई स्थापना नहीं, कोई जानते भी नहीं है हम के कब हुए क्या हुआ, हम तो जो पोथियों के अनुसार इसको 2300 वर्ष पूर्ण होने आ रहे हैं और हमने तो देखो आज जो पाती मांगी फूल। अच्छा। उसकी आज्ञा से हम बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जगदम्बा के परिचय की बात करते हैं, वो चमत्कार की बात करते हैं। वैसे तो मेवाड़ में कई सारे शक्तिपीठ हैं और उसमें से मात एलवा भी एक शक्तिपीठ में ही गिने जाते हैं, और जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तब भी यानी कि कई सारे चमत्कार हुए थे। तो आज वर्तमान में आपने क्या चमत्कार देखे हैं और कितने भक्त आते हैं, कब मेला लगता है, वो हमारे भक्तों को बताइए। यहाँ पे 3 मेला लगता है, 2 नवरात्रि और 1 हरियाली अमावस का मेला लगता है। अच्छा, यानी कि हरियाली अमावस अभी गई है। अभी हरियाली अमावस का भी मेला लगा, 2 नवरात्रि का मेला लगता है और 7 की जागरण रहती है, 8 का हवन होता है। अच्छा, तो चमत्कार की बात करें तो मुलकदास की खेड़ी निवासी प्रेम जी जाट, उनको अभी 20-24 वर्ष हो गए, उनकी आंखें आ गई, वो अंधे हो गए और माँ जी ने उनको दृष्टि दिए, वो उनके सन्मुख आप सुनिए, हम तो देखा है जो बोल रहे हैं। भक्तों, कैलाश जी पुजारी जी ने बताया कि अभी वर्तमान में एक ऐसा चमत्कार जो माता जी के यहाँ पे हुआ वो मौजूद है। जय माता देर साहब। जय माता देर साहब। हमारे साथ में चमत्कार हुआ के मुंह डोंगड़े गए। अच्छा, तो बटू मुंह बस में बैठो नवदुर्गा में। अच्छा, जो मंगरारी पड़े जाता था का हमारे हथेली में दुख्यू। अच्छा, जो हथेड़ी में दोगवा में हथेड़ी ने बंद दाबी दी, पिराना मोड़ पर जाता था का मैं खोली तो बड़ी जगह आका में जपक जपक करके अंधारो बीजो। अच्छा, अंधारो बीजो जो वहाँ पे गाम रे बड़े जाता था का बटू बस में उतरिया जो माने लारे किशोर दिहा जो बना लेन मने बामटी पकड़ी रेटे उतारियो, मैं जो मने देखा ही नहीं रहो धीरे को रेटे उतारो, तो भी मने घरे ली गया, घरे ले जाए घर आने क्यों क्या तो बुखार आई जो एकदम के तो भी घर अदर पी जा। अच्छा, जो के बुखार आई जो मासा पर हो दू पसे वना साय वनाई बनानी पाई न पसे मने लाइन दीदी तो हाथ यूँ करूँ देखा को नहीं के यूँ कहाँ कर रहा है जो पसे बना ले जो के अणी तरेरी बात भी की थू घबरा आँखा में दिखी नहीं रही हूँ। हाँ, जो वाह पसे मैंने बना लेन आड़ोद फोन की दो सरपंच साहब रे आड़ोद में। हाँ, के था बटू बस में बेवाजा जी ना आना रे कटे गोली ली थी कि कहीं भी आँखा में नहीं देख पा रू, तो जो मार हमें तो गोली नहीं ली थी तो बात कही हुई तो यानी तरेरी बात है जो बटू सरपंच साहब पास मलुकदास खेड़ी आया। अच्छा, आपरो गांव मतलब मलुकदास खेड़ी। हाँ, बी रे आड़ोद जो
बटू भी आया न आई न मने जो के कई बात भी तो वो मने अन तरह हूँ देख ही नहीं हूँ के सालों बाजरे ले साला अच्छा पासा आलो तो बाजरे ले जा बटे बाजी ढोल बजाया न बाजी नहीं आया पासो वापस मने ढूंढे ले जा बट एक नेपाली हो तो ने कोड़ों बेहल करी हॉस्पिटल में ले जा कई आराम नहीं पड़ी पासो लाइन घरे हुआ जो सुबह पन्ना लाल जरे खेड़े ले जा बटे मास्टर कॉलेज जो बनाए चो कोई के मने तड़ी में कई खबर नहीं पड़ी अच्छा उन्होंने भी कई खबर नहीं पड़ी हाँ मतलब। तो पसे कन्या लाल दी पटवारी चो ऐसी करा पी के सरपंच साहब के अभी नीमच पर साला अच्छा नीमच हॉस्पिटल पसे हॉस्पिटल में ली गया हॉस्पिटल में ले जाए इन मने मैं राज्यो अनन बाने काढ़ी दिया अच्छा हाँ मतलब महीने नहीं जावा दे आपने से ले गया हाँ जो बना लेन मने कुर्सी परे बेवाइडियो पसे बनायो धक्को दी दो जो वो धक्का पर भी हमारी कुर्सियाँ पड़ी गई मुई पड़ी हाँ मतलब दिखिन जो जनान हाँ, मतलब जो नीचे जाई पड़े हाँ जो पसे बना लेन जो अरे यो कई कर रहा के एक दूब तो अवेरे नीरी उनके कटे माथो फूट गई तो फिर मुँह कटे अनान लिया लिया फारू वापस लाया लाइन घरे पे मिल जो पाले दिन पासा आज बटेन 18 दिन तक जाने मैंने लिया लिया फिरिया मतलब जत्ते भी मतलब यूं लागो वो हाउ कर देगा हाँ, वो हाउ कर देगा सब जगह फरता फिरिया सब जगह दौड़ता फिरिया अच्छा बच्चा यानी कि घरे आ पाई गया घरे आई गया पसे बना लेन चो के ऐसी करो के उन्होंने मैं उदयपुर ला उदयपुर हॉस्पिटल ले जाओ हॉस्पिटल ले साला के मणि निमस वाले डॉक्टर चो के बटे डॉक्टर कोटारी कोड़े ले दे जो उदयपुर में जो आप मने बटू सरपंच साहब न मारो भाई न दो चार दना मने जाने बटे उदयपुर ले तेरा जो मने आलोद लाया अटो मतलब मलक दास री खेड़ू आलोद लाया आलोद आया आलोद मतलब आपरे बस में वेणो पड़े बस नी बणा मोटरसाइकिल पर लाया अच्छा मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पर लाया जो अटे अणि पेट्रोल पंप रे पहली गाने आता तक हमारो एकदम जीव घबराणो मोटरसाइकिल पे सर मोटरसाइकिल पर एक दोनों पासे डाबिया ने एक दोनों सरपंच साहब से लेरा तो बटे जीव घबराणो जो मैं चो सरपंच साहब गाड़ी रोको मारो जीव घणो घबरेरो उल्टी वे तो थाण कपड़ा पर ही दी जो मैंने रेटे उतारी दो तो के सही हो तो मुँह तो हापड़ी ले हूं। तो बड़ा मटे नहीं रोकी सरपंच साहब भी भला मना का जो थोड़े एक आया मुँह पोगो जो अटू कमीज पकड़ ली दो चक्कर करना वाला मैं हाँ मैं जो रोको रोको गाड़ी रोको जो रेटे उतारियो अटू बामटे पकड़ी इनको मैंने थोड़ो रोड सेट ले दे जो वह सेट ले दावा पर रेटे बेवाड़ियो खाली डकार आई न उल्टी कहीं नहीं हुई बामटी पकड़ी पासो मने मोटरसाइकिल रिपड़े ले जाइ रहा अन एक लंबी लंबी लुगई हाड़ी ओढ़वा ने महिला दिखी मने वह महिला दिखी जो के साल 100 साल अनि अनि पेट्रोल पंप पास में जो पेट्रोल पंप में अच्छा 100 साल मैं जो या लगे मारा आड़ी फर रहे आप है जो मने काटो ढाबे रही जो मने दर्प लगी रही हाँ मतलब अचानक कोई लेडीज पकड़ ले मतलब वो दर्पण तो लगी से मतलब पसे ले नहीं पुका के के वा गई सालो बैठो मोटरसाइकिल पर पसे मने बेवाड़ी ने पासे दो दिन एक दिन ढाबिया रियो न मने डोंगले बनार मकान पर लेन पर आजिया बटे ले जन हुआ रियो अन तकता पर न वा भी दाने गाड़ी री जीब री जास फोन की दो जो गाड़ी आएगी अदतरे मने बटे ले जन हुआ रियो जो वा ले न भी सोरिया आएगी सोरिया आवा परे मु बड़े नारी उबो अने भी के 100 साल जो बे 100 नाड़ो तो मंगरोज मंगरो नजर आवे फंक्चो कोनी तो सड़ू कटे वे अच्छा के बच्चा दिखी रे मतलब हमें हाँ, हाँ, साक्षात हाँ जो मैं लेन जो मने है जो को यो खावे नार जो मु दरपरो मा जो उठा विन नटा मतलब नाटो जो दीवाल ही दंडे मातो बसेड़े जो जो सरपंच साहब दौड़िया के अरे एक दुख तो अवेरे नहीं रो यो कह कर रहा था कि बड़े बेटा जी के मातो फूटी जातो वायु करीन बसे चौक थाने वियो कई मैं चौक यो नार मार ला रहे नार मार मातो पड़ रो मतलब हाँ जो पसे वायु पोगा जो बटी शंकरपति की थी जो आना चो के मु साक्षात बटली ना इधर अच्छा मु उदय पर नहीं जा रहा अच्छा वाला सरपंच साहब अगरबत्ती करिन क्यों मुंह उठे लई नहीं रू मंदिर पे गाड़ी आएगी अनि गाड़ी में बैठे ही दून मुंह ले नहीं रू ये इस गाड़ी मतलब बटे आई रही है बटे आई रही है या हमारी लाज आपने रा बराबर तो पसे लेन
गाड़ी में बामटी पकड़ी मैं बैठायो तो बैठे ही पुगा गाड़ी का कास बंद किया जो मैंने हमलाई रहा है बेटी मेचो सरपंच साहब या बस में आई बीगी कौन है यार के कटे मान नजरे नहीं फसे भी बोल जा करे मोबे हमसे जो के ये तो अपन लारे अपन हाउ कह रही यू कर मैंने जाने अटे लाया गाड़ी में वटू उतारी बामटियां पकड़ी लाया अतरी गोशान है के या रेलिंग है जो मैंने पकड़ी अच्छा वना पकड़े मतलब लारे मेला हाँ जी हाँ बना पकड़े के अतरे तो था सालो पसे मैं आगे थानी पाती बामटी पकड़ ले बटू बामटी पकड़ी अन बटे मुँह पड़े जो न चौक है अटू घेटी पकड़ी चौक थाने अटे माता जी लाया जो कि था शिकरो निशा नमी धोक दो जो लालू नाथ जी हाँ अच्छा लालू नाथ जी जना सेवा करता बराबर जो बना चो के शब्द ना सेटी विदाओ नना ने धोक देवो देवाड़ो नना ने को के भाई के आप जो करनो वे जो आप रा हाथ में सब आप रा हाथ में से अवे हाँ, मतलब जो मु निसो धोक दी नी उबो वियो या डावी आंख खली अच्छा तरत वाह अबे मु नाळ्यो जो 18 दानो मन सब मनकार आप रा एक सब रा मुंडा नजर आया पसे मारे आका मु के आंसू करवा लाग गया मतलब पड़वा लागा तो ये पटिया है जे संटाई की जो पग मंडी जा जाने यूं अच्छा न पसे सड़ी पासी ठंड तो महाराज लेन जो ऐसे करो गणा ने परकमा देवाड़ो जो मने तो परकमा ठंड सड़ी की जो लागी नहीं पसे बामटिया पकड़ी न मने अटे हाथ परकमा देवाड़ी ने जो वाबे बैठाई दो के पासो परशनो व्यू पशनो व्यू तो अशीष कदर रो व्यू जो पटिया पर पानी यू रेला जा अच्छा जणित्रो मतलब आंसू जर रहा वणित्रो मतलब पशनो व्यू पशनो पूरा शरीर मु पानी उतरी रो अच्छा यू जान पगा पर पेट पर वा पसे वायरो की दो अन जोग वा का आराम देवाड़ दोणा ने के मैं माशार धोक देवाई दो अच्छा तो पसे मने मैं ली गया मैं जाइन पसे मैं बटन नमस्कार की दीन पसे मारे बा गर्मी बंद अच्छा न जनान बजे दो आका खुली की नहीं खुली एक किस खुली पसे अटे घंटा दो घंटा ढबिया पसे ना चो गाड़ी तो अपना पा है से न बिंडर का आका माता रे यज्ञ सालेरो जो बाई जोक माया जो अपी बटे दर्शन करी आवन पासा टे आई दावा बराबर जो पसे मने बटे लेन पराज्या तो बटे घंटो खान ढबिया बटू पासा टे आया पाछा अटिस माता जी रे आया पासा आया अटे मा जाने रात्रि 9 बजे तक सेवा भी इतरे ढबिया अच्छा पसे मने ले जावी घरे जो पिराना मु मार लारे आदना चो पिराने वेन ऊपर साल ना तो बना चो एकदम मार घरे ले दाऊ सरपंच साहब क्यों हां अच्छा पसे मने आलोर ले गया बट आको गांव बेळो बीजो के अपने अटे माता जी आका हां माता जी रेटे ज्ञान मतलब अंधा हाजो आका खुली की हां जो आको गांव मार नके आयो अन सबना मारी छाता पूछी पसे ले जा मने घरे बटे दंदन मारे बेन बंदेवी मारा हव होरा सभा अन बना चौक सरपंच साहब 18 दिन तक मारी बेन चौक मारे भय रे लिए था खूब दौड़िया खूब सेवा की दी अन आपने है जो आज विश्राम अटिक करनो अच्छा जो चौक मारे तो 1 किलोमीटर से टी मु पर जाऊं के नहीं जावा दूं पसे माने जाने शब्द नारे विस्तर कीदा मैं शब्द ना यूं हुता मासा परे रात्रि 12 बजी अन या गेला मिली जावा मोटी लगी पासी है अच्छा मेला भी पासा मिल जावे पासा आया जो आईन मने चोकर हुतो है जिनान मारी आंख अच्छा दो आंखा खुली सरपंच साहब ने चो उठो जो बना लेन चो के कई बात भी जो मैं चो मारी आंख खली गिन मने आकन फपेड़ ने चो अन बम जोग माया गई जाती रिपोर्ट मणि देखी अच्छा मना भी मतलब साक्षात देख ली हमने दर्शन नहीं किया मतलब जाता था करी पूर्ति जय हो तो बना चौक मु सार विजय मंदिर में पासा लेरु मु दन नहीं उगवा दू अन मने दाने अटे आईन का माड खोलाया लालू नाथ जी ने मने अटे अंदर अंदर जाया लावा परे पसे मने आको दन रचो हाजे आलोद ली जा पासो अटे लाया पाले दन रात बटे रहता दन अटे रहता तो यूं करीन मने जाने 8-9 दिन लाया लीजिया अन पसे अटे प्रसादी की दीन रामराज है रामराज।
तो पसे मैं ये प्रण ले लेता हूँ जेवला मार हाथ पग सा लेला दत्रे मु हर दितवार ने उला दो नोरता बराबर उला जय हो तो जटा गड़े मैं आले एक दितवार खंडत नहीं की जय हो अन आदा मारे तीज रदन तीज बदवार दन हवा दो जा मारी आंखा खटी अच्छा तो लगभग सन भी याद बेगा मतलब कई सन चल रो उधना जिना सन यो ही शो के सन 2000 की रहा जो मैं बना बनो हूं पर अतरी वो शान है लगभग आप रहे यानी कि 20-22 साल मतलब वी गया नहीं बात हाँ 22-23 साल अच्छा तो जो मतलब आप आंखों अंधा वी गया तो मतलब हाँ। कतरा टाइम तक अंधा रिया जटा के 18 दिन तक कुल 18 दिन रियो अच्छा 18 दिन जाने आंखा खली की 18वें दिन मतलब 17 दिन पूरा रिया और 18वें दिन दनरी हवा दो बजे खली दनरी हवा दो बजे आपरे आंखा खुली तीसरे दिन फिर ती और दूसरी आंख राते खुली बारा एक तो जाने दनरी हवा दो बजे खली एक रात्रि 12 बजे खली जय हो तो आज भी मतलब आप मतलब माता जी रे चरणा में मतलब हाँ हाँ हर दितवार हो गया हर दितवार ने आले एक ही दितवार खंडत नहीं की जी हो जय हो तो भक्तों अभी हमारे साथ में है आलोद ग्राम पंचायत के सरपंच साहब जय माता दी जय माता दी तो भक्तों जो प्रेम जी जाट के साथ में घटना हुई थी उस घटना के साथ में जो सहयोग किया था हेल्प की थी वो हमारे सरपंच साहब है यानी कि आज भी इस धरती पर हेल्प करने वाले मिल जाएंगे जय माता दी सर जय माता जी तो आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के साथ जो घटना हुई है वो थोड़ी सी शेयर करो भक्तों के साथ नहीं वो हम रुंगला थे फर्स्ट में तो शाम को जी रुंगला से गए घर पे जाते समय इनके पिलाखड़े के पास में आंखें बंद हो गई तो वापस घर पे गए बस से दूसरे आदमी उतार के ले गए इनको घर पे वह उस दिन से 10-20 दिन तक हम इधर उधर हॉस्पिटल वगैरह सब जगह घूमते रहे कुछ हुआ नहीं फिर उदयपुर के लिए निकले तो डुंगला गए फिर मैं अपने एल्वा माता जी के कुछ बोलमा जो भी अपने पेट में मन में मन्नत मन में जो भी था वो अंडरग्राउंड बात करके मैंने ऐसे ही जोगमय को अरदास किया कि एक मिनट में आँख खिलनी चाहिए अच्छा यहाँ पर लाने के बाद तो हम 5-6 आदमी साथ में थे तो आए जोगमय के और एक मिनट में जैसे ही नमस्कार किया और इनके आंखों में से आंसू पड़ने शुरू हुए मेरे को तो पेट में पता था कि जोगमय अपनी बात रख दी बिल्कुल बात रखेगी ना वाह दूसरे लोग देख रहे थे फिर परमात्मा दिलाई तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि बर्फ पे चल रहा हूँ मैं अच्छा ठंड चढ़ गई सर्दी चढ़ने लग गई फिर घंटा दो घंटा यहाँ रुके फिर हम गए वापस बिंडर माता जी कालिका माता जी यहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल वहाँ नमस्कार करके वापस से आए फिर घर गए फिर रात की 12 बजे कोई नार जैसा आके इनके चमत्कार हुआ लात लगी अच्छा ये डर गए फिर दूसरी आँख वहाँ खुली रात की 12 बजे घर पे इस तरह का जोग मैंने हमारे को चमत्कार दिया और हर प्राणी को हर अपने पूरे भारत में सबको ईश्वरी ऐसे ही सहयोग देती रहे और अपना काम बता रहे जय माता दी जय माता जय माता तो भक्तों आपने माँ एल्वा रानी के दर्शन किए हैं और एल्वा माता के जो इतिहास बुजुर्गों के अनुसार पोथियों के अनुसार जो मैंने सुना है वो आपके साथ में मैंने पेश किया है और इसमें कोई भी त्रुटि हो तो आप मुझे माफ़ करें अगर आप एल्वा माँ रानी आना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक भी दे दूंगा तो आप उसके हिसाब से भी आप पधार सकते हैं एक बार जरूर आप मेवाड़ के शक्तिपीठ माँ एल्वा रानी के दर्शन जरूर करें इस इतिहास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो और लाइक करो क्योंकि लाइक और शेयर से हमारे हौसले बढ़ते हैं आपसे हम कोई सपोर्ट नहीं चाहते बस इतना सा सपोर्ट चाहते हैं और अगर आप मेवाड़ टीवी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले शक्तिपीठ हैं महादेव जी का इतिहास है उन सभी का इतिहास हम इसमें शेयर करने वाले हैं जय माता दी जय सियाराम हर हर महादेव